वेलकम टू गाइस पोकी आर गाइस, मेरे साथ है मेरा चारी चार्ट एग्स। हेलो गाइस, क्या हाल है? आप लोगों ने कल वाला एपिसोड देखा? बोलते यार चारी चार्ट को चारी चार्ट एग्स बनाए। एंड गाइस, आप सभी भाइयों के लिए आज काफी सारा सरप्राइजेस है। एंड गाइस, सरप्राइजेस को दिखाने से पहले आप सभी भाइयों को एक ही चीज करना है पड़ेगा, आप लोग को लाइक करना पड़ेगा यार। डेफिनेटली गाइस, आप लोग को लाइक तो करना पड़ेगा, ठीक है? तो लाइक कर देना आपने बोल भाई को सपोर्ट करने के लिए। तो चलो गाइस, चारी चार्ट एग्स का हम लोग पावर देखते हैं। तो बहुत सारे भाई लोगों को मैंने कल पूछा था कि ये जो पावर है चारी चार्ट अपने मुंह से छोटा है, ये क्या पावर है? तो बहुत सारे भाई लोगों ने बोला कि ये पावर बोल भैया है ड्रैगो मीटियर। गाइस ये तो मुझे पता है गाइस, ये है गाइस, देख सकते हो। एक मिनट क्या हो रहा है, एक मिनट गाइस इसको मार करके देखते हैं। एक तो इसके पास ड्रैगन डांस है, ठीक है, एक तो इसके पास ड्रैगन डांस है। अरे हे, 270 का डैमेज दे रहा है, ओके। लेकिन एक बहुत ही गंदा चीज हो गया गाइस, बहुत ज्यादा गंदा चीज हो गया अपने चार्जर एक्स के साथ। पता नहीं क्यों मैं आप लोगों को वो चीज दिखाने वाला हूं, ठीक है? लेकिन उससे पहले गाइस और एक बार ये ड्रैगो मीटियर मार करके देखते हैं। गाइस देख सकते हो यहाँ पे फ्रॉगी डियर है, चेस्पिन्स है और गाइस ब्लेजी कैन है। गाइस मैंने फेंका, आप देखते हैं गाइस कितना डैमेज पड़ेगा इन लोग के ऊपर। ओके अच्छा खासा ही डैमेज दिया, बट इतना भी अच्छा डैमेज नहीं दिया। ए ब्लेजी कैन, क्या फाइट करेगा तू मेरे साथ? हैं मर गया ना। एंड गाइस आज तो मुझे क्रेडिट्स इकट्ठा करने हैं, ठीक है? एंड गाइस देख सकते हो इसका स्टेमिना हो गया है डाउन। ओके आ जा सबको मारेंगे। ओके खत्म, सब लोग खत्म हो चुके हैं, ठीक है? अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि चार्जर के साथ क्या हो गया। मैंने गाइस सभी को मार लिया ना। एंड गाइस नाउ चेक करो। अरे बोल, अरे ये क्या हो गया? इसका हेल्थ 379 हेल्थ है इसका, मतलब लेवल है। बट गाइस कल तो 6000 के आसपास हेल्थ दिखा रहा था, नाउ एज यू कैन क्लियरली सी 880। भाई इतना कम कैसे हो सकता है गाइस? ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है गाइस, कुछ लोचा हो गया क्या? क्या हो गया गाइस, समझ में नहीं आ रहा है गाइस। यार मैं आप लोग को अपने पोकेमॉन ग्राउंड पे लेकर के जाने वाला हूँ। पोकेमॉन ग्राउंड? तेरे पास पोकेमॉन ग्राउंड भी है क्या? अरे वही तो सरप्राइज है ना। एंड गाइस आप लोगों ने कल वाला एपिसोड बहुत ज्यादा सपोर्ट करा, थैंक यू सो मच। और एक चीज गाइस, आज ड्रैगन बॉल जी कैकेरॉट का न्यू एपिसोड आने वाला है। अरे हाँ गाइस, आज ड्रैगन बॉल जी कैकेरॉट का न्यू एपिसोड आने वाला है 2 बजे को, ठीक है? एंड गाइस ये है अपना पोकेमॉन ग्राउंड। अरे वाह कितना बड़ा है यार गाइस, इसमें मैं सारे के सारे पोकेमॉन्स को खुले में रखने वाला हूं। ओ गाइस ये तो जोरार्क है यार। अरे कौन सा? ओ माय गॉड गाइस ये तो जोरार्क है यार। गाइस ये एक मिथिकल पोकेमॉन है। ओ यहां पे बीड्रिल भी है गाइस। यहां पे वाइल्ड पोकेमॉन्स कैसे स्पॉन हो रहे? I literally have no idea. Guys, इस चार्जर का तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है? मुझे देखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए तू आ जा। एंड गाइस चलो मैं अपना निकाल लेता हूँ बो। मैं ले लेता हूँ गाइस अपना बो। ये है अपना बो, ओके ले लिया हूँ मैंने गाइस। एक मिनट 123। अच्छा ये आठी है क्या मेरे पास गाइस? सिर्फ 8 ही एरोज है गाइस मेरे पास। तो बी ड्रिल को मारू को किसको मारू समझ में नहीं आ रहा है। बट एक चीज करना पड़ेगा और वो चीज ये है कि गाइस मुझे ग्रेनिंजा को इधर निकाल कर रखना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे वाइल्ड पोकेमॉन्स कैसे स्पॉन हो रहे हैं यार? यहाँ पे फोर्स फील्ड लगाने के बाद शायद से वाइल्ड पोकेमॉन्स स्पॉन नहीं होने वाले हैं। ओके एक और चीज देखेंगे, इसका हेल्थ आप लोग देख सकते हो, ठीक है? 170 में 4000 अब। लेकिन चार्जर एक्स का तो ज्यादा होना चाहिए था ना? अरे हाँ होना तो चाहिए था। पता नहीं गाइस इसके साथ क्या लोचा हो गया। एंड यार तू अभी के लिए प्लीज पैसिव में रहे, जब तेरे को बोलूंगा पैसिव में रहे है कि नहीं। अरे भाई तू पैसिव में रहे, अटैकिंग योर टारगेट मूड पे क्यों है ब्रो? एक मिनट सेंस योर टारगेट, तो फिलहाल के लिए पैसिव में रहे, ठीक है? गाइस वहाँ पे जोरार्क है, तो चलो गाइस जोरार्क को पकड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? कोशिश मतलब डेफिनेटली उसको पकड़ने ही वाले हैं। एंड ये भी ले लेता हूँ गाइस, मुझे पता नहीं कि जोरार्क को क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या देना पड़ेगा। ये देख सकते हो कितना ड्रॉपर 129 ड्रॉपर। भाई ये तो आराम से आ जाएगा ब्रो, इसके लिए मुझे इतना मगजमारी नहीं करना है गाइस। ये एक मिथिकल पोकेमॉन है लेकिन गाइस, तो चलो गाइस आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, ठीक है? लेकिन बीट ड्रिल भी तो है साले ये भी। वो पॉइजन स्टिंग फेंक रहा है ये साले, कहां पे चला गया तेरे? ग्रेनिंजा हेल्प मी। अरे ग्रेनिंजा बोल को हेल्प करियो यार। ग्रेनिंजा है ना इधर, अब मरने वाला है ये। मार मारेगा मर गया ना बीड्रिल, मर गया ना। अब चलो गाइस जोरार को पकड़ने के लिए जाएंगे, ठीक है? 3 ही एरो है गाइस, 3 एरो में क्या जोरार को पकड़ पाएंगे? जोरार वैसे भी इधर से तो भाग नहीं पाएगा। ओके जाते हैं अब दौड़ना पड़ेगा। ये मेरे पीछे तो नहीं है ना गाइस? अगर पीछे तो ओके एक भी एरो मिस नहीं करना। नोप, एक एरो मिस हो गया भाई। नोप, दूसरा एरो भी मिस हो गया। अरे बोल तेरे से नहीं होगा यार। एक लगा, दूसरा भी लगा और नहीं है। आई थिंक गाइस ये बेहोश हो जाएगा। एक मिनट, वाओ बेहोश हो गया ना। लेकिन मेरे पास सिर्फ 3 ही एरो थे ना।
अरे यार वो सब चोर यार, ये बेहोश हो गया यार। ओ माय गॉड गाइस, ये बेहोश हो गया। तो कल गाइस मैंने एक चीज देखा था कि इसको हम लोग खाना, पोकेमॉन्स को हम लोग खाना खिला करके भी टेम कर सकते हैं। पर एक बार ग्रेट बॉल डाल करके देखता हूँ गाइस, अगर ग्रेट बॉल में आ जाएगा तो यार इतना वेट नहीं करना पड़ेगा। आ जाएगा सर? ओ नहीं आया क्या? और एक बार मार के देखते हैं, ठीक है गाइस। अगर जोराक मेरे टीम में आ जाएगा तो बढ़िया होगा गाइस, ये एक मिथिकल पोकेमॉन है गाइस। ओके 1 2। ए बेटे तेरे को ये खिला करके ही टेम करना पड़ेगा ब्रो। तो रॉ मीट मेरे पास होगा, रॉ मीट गाइस, कुक मीट भी है, रॉ मीट भी है। रॉ मीट कितना चाहिए तेरे को? ये ले ले। और फेमाइन पेस है क्या मेरे पास? फेमाइन पेस नहीं है गाइस। खाने देता हूँ, खा ले जितना हो सके तू, खा ले ब्रो। खा रहा है कि नहीं? खाएगा, डेफिनेटली खाएगा। और एक बार पोकेबॉल फेंक के देखता हूँ, ठीक है आ जाएगा तो बढ़िया होगा यार। लेट मी फाइंड आउट गाइस। 1। अरे नहीं 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 गाइस, चल तू खा ही ले, ये खाएगा ही, डेफिनेटली खाएगा। एंड गाइस चलो अपने पोकेमॉन्स को मैं तब तक के लिए बाहर निकाल लेता हूँ। गाइस मैं काफ़ी सैड हूँ यार, काफ़ी सैड हूँ गाइस। इतना पावरफुल पोकेमॉन चार्जर्ड एक्स, बट स्टिल गाइस अब कौन है मेरे पीछे? अब कौन है? ग्रेनिंजा कोई मेरे पीछे है यार? वो कौन है? मेटापॉड गाइस, इस जगह में कैसे यार पोकेमॉन्स घूम रहे, ये चीज सीरियसली मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार अपने एरिया में अगर वाइल्ड पोकेमॉन्स रहेंगे तो ये फेंसिंग डालने का क्या ही मतलब था भाई? क्या मतलब था? कुछ भी मतलब नहीं था। अरे यार तूने ऐसे ही डाल दिया यार। अरे सही में गाइस मैंने ऐसे ही डाल दिया फिर फेंसिंग, एंड ये तो खा भी नहीं रहा है। कब खाएगा गाइस ये? फूड मीटर फुल है चाचा। एक काम करता हूँ गाइस, टाइम तो है ना, टाइम है तो एक काम करते हैं, फर्माइन पेस बना करके आते हैं, फर्माइन पेस खिलाएंगे तो तुरंत ये टेम हो जाएगा, ठीक है। एंड यार ग्रेनिंजा तू इधर का प्रोटेक्ट कर, ठीक है, इधर तेरे को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इस जगह को। एंड टू अनेबल वंडरिंग कर दूं क्या तेरे का? ग्रेनिंजा कर दे यार। ओके चलो गाइस अनेबल वंडरिंग कर देते, पूरा घूम इस एरिया में, पूरा घूम, जो भी दुश्मन पोकेमॉन आएगा उन लोग को मार करके उड़ा दे भाई, ठीक है। ऑलराइट गाइस ये घूमेगा अभी पूरे एरिया में गाइस, वैसे भी गाइस इन्हीं लोग का एरिया भाई, तेरे पीछे तो राटाटा है, इसको मार भाई। देख नहीं रहा है क्या? तेरे पीछे ही दुश्मन है ब्रो। हे ग्रेनिंजा तेरे पीछे ही दुश्मन है यार, एंड इसको समझ में नहीं आ रहा है। एलोलन राटाटा हैज बीन टीम, क्या एलोलन राटाटा हैज बीन टीम? मैंने इसको कहां टीम करा? मैंने इसको कहां टीम करा बनी? अरे पता नहीं यार कैसे टीम हो गया है। क्या ग्रेनिंजा तूने मेरे लिए पोकेमॉन को टीम करा? एक मिनट गाइस, ग्रेनिंजा का यहाँ पे टाइप दिखा रहा है गाइस, डार्क वाटर टाइप, ठीक है। तो क्या गाइस मैं इसका टाइप भी चेंज कर सकता हूँ बाद में, देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि टेरा स्टेरलाइज क्या था? एक मिनट देखते हैं, ये टेरा की स्टेरलाइज या कुछ था ना ये? एक मिनट, ये देख सकते टेरा स्टेरलाइज, इसमें इससे हम लोग यार इसका टाइप चेंज कर सकते हैं, ग्रेनिंजा का लिटरली टाइप चेंज कर सकते हैं। एंड गाइस जो काम मुझे करना है वही काम कर लेते हैं यार। अरे हाँ जल्दी से करना ब्रो। हाँ जल्दी से करेंगे ब्रो। तो निकालते हैं अपने मेगा चार्जर्ड एक्स को, क्योंकि वो बहुत फास्ट है यार। पता नहीं इतना बढ़िया पोकेमॉन के साथ क्या ही हो गया गाइस, ना कि इसका लेवल अप हो रहा है ना कि कुछ हो रहा है भाई, सीरियसली मेरे को समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा यार। इसका स्पीड देख सकते हो। एंड गाइस यहाँ पे मैंने ऑटोमेटेड पंप्स लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से मुझे मेटल्स मिलेंगे गाइस, मुझे यार मेहनत नहीं करना है मेटल्स के लिए गाइस, देख सकते हो मुझे मेटल्स आराम से मिल जाएंगे गाइस, टाइम टू टाइम इधर से मुझे मेटल्स मिल जाएंगे। बाद में जाकर के जब थोड़े बहुत रिसोर्सेज आएंगे यहाँ पे यार, फिर ऑब्साइडियन क्रिस्टल एलिमेंट सब कुछ पंप में लगाने वाला हूँ, ठीक है। चलो घर चलते हैं यार। अरे यार सीरियसली मैन गुस्सा आ रहा है गाइस, क्या कर सकते हैं? किसी भाई को पता है क्या क्या हो रहा है? एंड कोई मॉड आप लोग को पता है क्या? एंड ये यहाँ क्या कर रहा है? इसका पावर बहुत बढ़िया है गाइस, देख सकते हो गाइस, मैंने फिर से मारा इसके ऊपर, ये देख लो 130 का डैमेज दे रहा है। अब एरिया डैमेज भी देगा गाइस, एरिया डैमेज भी देगा। एक मिनट ऐसा मार के देखते हैं, ठीक है। ये देखो 257 का, आराम से गाइस आराम से एक स्पाइनोसॉरस को मार सकता है। एंड चलो गाइस ये देख सकते हो ड्रैगन डांस करके गाइस, ये अपना अटैक पावर वावर सब कुछ बढ़ा भी सकता है। पर डोंट नो गाइस इसके हेल्थ के साथ क्या ही लोचा हो गया भाई, कितना फास्ट डायनासोर है भाई। ऐसे एक फास्ट डायनासोर को यार डिग्रेड होते हुए देख मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है गाइस। तो प्लीज गाइस आप लोग को इसके बारे में कुछ पता है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो गाइस मुझे अब क्या बनाना चाहिए? पहले तो मेटल डाल देता हूँ ब्रो, मेटल बहुत सारा मेटल है। एक मिनट, मेटल कितने सारे हैं गाइस देख सकते हो, 234 मेटल। तो यहाँ पे मैं बहुत कुछ चीज़ें बना सकता हूँ। पहला जो चीज़ बनाना पड़ेगा वो है गाइस हीलिंग पेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके हीलिंग पेस्ट मैंने बना दिया।
एंड नाउ गाइस, ओह यस गाइस, जेंडर पेस्ट भी बनाना पड़ेगा क्योंकि गाइस मेरे पास एक चार्मिलियन है, वो मेल है, उसको फीमेल बनाना पड़ेगा। फिर मैं एक काम करूंगा, मेगा चार्जर्ड एक्स और मेगा चार्जर्ड वाई के बीच में ब्रीडिंग कराने वाला हूँ, फिर गैस बच्चे पैदा होंगे, शायद चार्मेंडर वार्मेंडर पैदा होंगे, तो यार फिर मुझे चार्जर्ड टीम भी बनाना पड़ेगा। और मुझे क्या बनाना चाहिए गैस, और फेमाइन पेस्ट बनाना चाहिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। डस्ट बना लेते हैं, ओके डस्ट तो बना नहीं पाया बट जितने भी बना गैस ले लेता हूँ, ओके एंड लेट्स गो यार, लेट्स गो, ओके ओके डन, सो लेट्स गो, इधर से चलते हैं। एंड गाइस मेरे पास कुछ क्रेडिट्स हैं, उन क्रेडिट्स को इधर रख के जाते हैं, 60 क्रेडिट्स, तो 77 क्रेडिट्स हो चुका है, तो एक पोकेमन को तो मैं खोल पाऊंगा, बहुत सारे पोकेमन को खोल पाऊंगा, ओए इसको भी खोल पाऊंगा गाइस, लिटेन को। लेकिन मैं अभी पैसा जमा करूंगा क्योंकि गाइस जमा करके गाइस मुझे पहला जो पोकेमन खोलना है ऑनिक्स खोलना है, ठीक है, ऑनिक्स खोलेंगे क्योंकि बहुत बड़ा पोकेमन है, या फिर गार्चॉम भी खोल सकते, वो 500 चाहिए भाई, इतना तो पैसा है नहीं। जियोड्यूड, वाओ गाइस, और क्या खोल सकते हैं भाई, अल्काजाम, ओके अच्छा खासा कुछ पोकेमन्स को खोल सकते हैं तो हैं ब्रो, लेट्स गो फ्रॉम हियर यार। चलो गाइस जोरक को टेम करते हैं गाइस, जोरक जब आएगा तो अपने टीम में एक मिथिकल पोकेमन भी आएगा यार। एंड गाइस आप लोगों को एक चीज़ पता है, ये व्हाट गाइस, ये तो फिर से जिंदा हो गया यार, अरे बोल, ये तो फिर से जिंदा हो गया यार गाइस, यार वो तो फिर से जिंदा हो गया, तो गाइस मुझे यार फिर से टॉर्पर एरो बनाना पड़ेगा, लेकिन ग्रेनिंजा अगर जोरक को मार देगा तो ओ गाइस मुझे फटाक से चीजें कर लेना पड़ेगा। गाइस एरोस बन के रेडी हो चुका है, सो अभी गाइस मुझे फिर से जोरक को बेहोश करना पड़ेगा यार, ओह नो गाइस, एंड आज मुझे मेगा चार्जर्ड वाई भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, अगर ग्रेनिंजा इसको देख लेगा तो खतरनाक चीज होने वाला है। और ये जोरक मेरे को मूड के अटैक नहीं करता है, आप लोग देख पा रहे हो, एंड इसको तो बिल्कुल भी अंडर डालना पड़ेगा क्योंकि इसका डैमेज काफी हाई है, भले इसका हेल्थ कम है बट डैमेज काफी हाई है, ओके लगा, ओ शिट गाइस ही इज वेरी फास्ट, ही इज वेरी फास्ट, अगर ग्रेनिंजा आ जाएगा तो इसको मार देगा यार, ब्रो मत भाग उधर ग्रेनिंजा है, ओ तू भी है, मत कर इसको कुछ मत कर, ठीक है। एंड इसका टॉर्पर मीटर काफी जल्दी से डाउन होता है, तो ये खा ले, इसका फूड मीटर डाउन हो चुका है, तो कुक मीट ही दे देते हैं, चलेगा इस कुक मीट खा ले ब्रो, खा रहा है गाइस, टेम हो रहा है, जिसके देख पा रहे हो 5.1% टेम हो चुका है, कोई आसपास खतरनाक डायनासोर क्या, अच्छा वो है डिप्लोडोकस, ओके 15.20% हो चुका है टेम, जल्दी से खा ले, क्या फास्ट तरीके से आता है ब्रो, ये क्या फास्ट तरीके से आता है ब्रो, एंड यार टू आ चाहिए, ओ वाओ गाइस देख सकते हो मैं इसको लिटरली उठा सकता हूँ, छोटे छोटे पोकेमॉन्स को उठाना काफी अच्छा लगता है ना गाइस, टेम हो रहा है 50% टेम हो गया, अरे हाँ तू घूम सकता है भाई, घूम ले मेरे पीछे पीछे नहीं घूमने से भी हो जाएगा दोस्त, एक काम कर तू स्टॉप हो, तू स्टॉप हो, एक मिनट फॉलो क्यों कर रहा हूँ, इसको फॉलो नहीं कराना है, तो स्टॉप हो, ठीक है, इधर घूम आराम से वंडर कर, मर मत जाना लेकिन, ठीक है। एंड वैसे भी तेरे को कोई मार भी नहीं पाएगा, इधर ग्रेनिंजा है, फास्ट पिक पॉकेटिंग, अच्छा तू मेरे लिए कुछ चुरा उड़ा भी सकता है क्या, वैसे तेरा लेवल अप कराता हूँ, चलो इसका लेवल अप करते हैं, ओके ये बनाते हैं मिली डैमेज, एंड यस देख सकते हो लेवल 17 में इसका ही हेल्थ 203 है HP, तो भाई चार्जर्ड का इतना कम कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ तो ग्लिच है गाइस, कुछ ना कुछ तो ग्लिच डेफिनेटली है। एंड तेरे को मैं, ओ वाओ गाइस जोरक हैज बीन टेम्ड गाइस, यू हैव टेम्ड ए जोरक, रेगुलर पिक पॉकेटिंग एंड इवोल्यूशन मेनू, कौन से लेवल पे तेरे को लेवल 24 में एलोलन रेटिकेट बना पाएंगे, हेलो जोरक वेलकम टू बोल्ट आर्मी जोरक गाइस, ये लिटरली गाइस एक मिथिकल पोकेमन है, इसके ऊपर गाइस एक पोकेमन मूवी भी है, ठीक है। एंड गाइस मेरे पास बहुत सारा चीज है तो इसलिए मैं गाइस इसके ऊपर राइड नहीं ले पा रहा हूँ, बट इसको डेफिनेटली यार यार इसके ऊपर राइड लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड टू भी आराम से घूम फिर ले, ठीक है, अनेबल वंडरिंग करते हैं, घूम ले, तो चलो गाइस एक के बाद एक पोकेमन को निकालने की कोशिश, अल्काजाम ब्रो गाइस यहाँ पे कितने औसम पोकेमन निकल रहे हैं, ओके लगा पाएंगे, ठीक है, अरे बोल लगा पाएगा ना, लगाने की कोशिश तो कर रहे हैं ब्रो, ओ भाई ये तो काफी दूर चला गया, ओ शिट गाइस अब लगाना पड़ेगा, 1 2 3 अब मार पाएंगे, यस गाइस कहां जा रहा है दोस्त दोस्त फिर से ऊपर मत जा यार, अरे ऊपर मत जा यार, कदाब्रा, ये कदाब्रा नहीं यार, ये आब्रा है यार, ओ शिट, ओ भाग मत जाना, अगर गाइस ये भाग जाएगा, ओ इसका तो वैसे भी टॉर्पर इंक्रीज होने वाला है गाइस, ये बेहोश होने वाला है गाइस, तो मुझे एक पोकेमन को निकाल लेना पड़ेगा, एक मिनट जल्दी से पोकेमन को निकाल लेते हैं, एब्रा को मैं बना पाऊंगा कदाब्रा फिर अल्काजाम, ठीक है, वो तो बेहोश क्यों नहीं हो रहा है ब्रो, बेहोश वाला है ब्रो, ये काफी शांत भरा पोकेमन है, ठीक है, ये बहुत शांति में रहने को इसको पसंद है, शांति से रहने को इसको पसंद है, भाई यार तू नीचे तो उतर ले ब्रो, नीचे तो उतर ले यार अल्काजाम, अरे अल्काजाम नहीं यार एब्रा, यार तूने ही तो मेरे को सिखाया था, अरे हाँ आई एम सो सॉरी यार,
भाई यार आज इतना मतलब दिमाग खराब है ना चार्जर्ट को देख करके, एक्स को देख करके भाई, इसलिए गाइस उल्टा पुल्टा चीज निकल रहा है। गाइस ये तो शायद से उतरेगा नहीं भाई, ये उतरेगा नहीं तो मरने वाला हूँ। ए भाई यार बोल तेरे को क्या लगा, तू सुपरमैन है? गाइस मुझे फटाक से अभी नॉइवर्न को निकालना पड़ेगा। वेयर इज माय नॉइवर्न नॉइवर्न नॉइवर्न, ओके कम ऑन नॉइवर्न आई चूज यू। हम लोग आ गए गाइस इस जगह में। गाइस ये है मेरा बॉडी एंड वो आबरा तो भाग ही चुका है शायद से। यार कोई प्रॉब्लम नहीं यार, आबरा के लिए टेंशन नहीं है। टेंशन इस बात का है तेरे को क्या होगा, तेरा हेल्थ इतना कम क्यों है? टेंशन मतलब तेरे हेल्थ को मैं रिफिल कराने वाला हूँ, ठीक है? तेरे को एक पिला देंगे ब्रो हीलिंग पे और तेरा हेल्थ ठीक हो जाएगा। ऑल राइट, यहाँ पे एक अंडा है गाइस, वो अंडा किसका हो सकता है? एक मिनट देखते हैं किसका अंडा है, ठीक है? डिप्लो एग, अच्छा इसलिए इतना बड़ा है ब्रो। ऑल राइट आ जा, चल यार चार्जर्ट। डिप्लो एग को उठाना था बट नहीं उठाएंगे ब्रो। यहाँ पे चेस पिन है, निडोरीना है। ओह शिट गाइस ये डैमेज दे रहा है। गाइस यहाँ पे निडो क्वीन है ना तो इसलिए डैमेज दे रहा है ब्रो। ओके सारे के सारे पोकेमॉन्स को निकालते हैं। चलो गाइस चार्जर्ट को निकाल लिया। आप गाइस निकालते हैं निडो क्वीन को, ठीक है? निडो क्वीन को निकाल लिया। इसका हेल्थ देखते हैं, इसका हेल्थ देख सकते हो गाइस 78 में 3000। ये तो और ज्यादा ताकतवर बनेगा ब्रो, बहुत ज्यादा ताकतवर बनेगा गाइस। उड़ा के रख देंगे गाइस, उड़ा के रख देंगे गाइस, लिटरली गाइस ये उड़ा के रखने वाला है ब्रो। बहुत ज्यादा ताकत है इसमें गाइस एंड ये बहुत ही कमाल का हाई जंप मार के ये अटैक देता है ब्रो। अर्थ पावर भी है इसके पास गाइस, लिटरली गाइस एंड ये एरिया डैमेज देता है, ठीक है? ये निडो क्वीन। ऑल राइट, अरे मैं निकल नहीं पा रहा हूँ यार, इसको फिर से अंडर डालना पड़ेगा। एक मिनट तो अंडर आ जा। हाँ ओके अंदर आ गया है। इसके बॉडी में जब घुसता हूँ तो निकल नहीं पाता हूँ, पता नहीं क्यों। ओके निडो क्वीन को फिर से निकालते हैं। ओके आ जा, निडो क्वीन आ चुका है। आप गाइस निकालते हैं शाइनी गोल्डक को। अरे बाप रे इसको तो लेवल अप कराना था। अरे तू सो क्यों गया भाई? ओके ओ बहुत सारा लेवल अप है गाइस। अरे यार तूने बहुत सारे पोकेमॉन को यार लेवल अप ही नहीं कराया अभी तक। तूने पिकाचू को भी पिकाचू नहीं बनाया है भाई। पिकाचू को मैं पिकाचू नहीं बना सकता हूँ बनी। अरे मेरे कहने का मतलब है राइचू यार। हाँ हाँ राइचू, राइचू बनाना पड़ेगा उसको। ऑलराइट एंड वेट बढ़ाते हैं इसके पीठ में, एक बार राइट लेकर के देखेंगे, ठीक है? एंड यस गाइस मूवमेंट स्पीड, मूवमेंट स्पीड पे क्यों ध्यान नहीं देंगे ब्रो। ऑलराइट तो ये है शाइनी गोल्डक, देख सकते हो। ओ इसका स्पीड भी अच्छा खासा ही है ना बनी? हाँ यार इसका स्पीड भी अच्छा खासा है यार। ओके तो चलो गाइस इसको भी ऐसे निकाल देता हूँ। ओके अब निकालते हैं ये कौन सा है पता नहीं गाइस, शाइनी पिकाचू। पिकाचू तेरा लेवल अप कितना है? 17 में। ओ थंडरस्टोन बनाने के लिए थंडरस्टोन एसेंस, ये कैसे खोलना और क्या करना पड़ेगा इसके लिए गाइस? आई थिंक गाइस स्वीट मशीन में बनाना पड़ेगा ये चीज़। बट गाइस मुझे राइचू को मारने से भी ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है? ऑलराइट चलो लेवल अप करते हैं इसको। पिकाचू का हेल्थ इतना नहीं होगा बट गाइस पिकाचू स्ट्रांग होगा, ये तो फॉर श्योर बात है। पिकाचू बहुत ज़रा स्ट्रांग होने वाला है गाइस एंड इसका मूवमेंट स्पीड पे मुझे ध्यान देना पड़ेगा गाइस। देख सकते हो पिकाचू भी इधर है। कोई पोकेमॉन है क्या आसपास? अगर इधर पोकेमॉन आएगा तो मरना पड़ेगा यार। निडो क्वीन है, मेगा चार्जर्ड एक्स है, चाइनी गोल्डक है। एंड गाइस निकालते हैं और पोकेमॉन को निकालते हैं। हार्ड एयर को निकाला गाइस, वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट पोकेमॉन गाइस, बहुत ज़रा फास्ट है गाइस। अभी मैंने गाइस जोरक के ऊपर राइड नहीं लिया है, जोरक के ऊपर भी एक बार राइड लेकर के देखना पड़ेगा, फिर मुझे मालूम चलने वाला है कि कौन ज़्यादा फास्ट है, ठीक है? तो हार्ड एयर को भी निकाल लिया। ओके लीटविग, लीटविग तू मेरे पीठ में आ जा। लीटविग वैसे गाइस लीटविग का मुझे लेवल अप कराना पड़ेगा। चल लीटविग तेरे को लेवल अप कराते हैं क्योंकि तू मेरे पीठ में रहता है ना, तो यार दुश्मन आएगा तो कभी कभार तेरे को भी फाइट करना पड़ेगा। लीटविग, ओ एक मिनट गाइस लीटविग को मैं लिटरली गाइस इवॉल्व भी करा सकता हूँ ना? अरे हाँ यार तू करा सकता है, बोल तो करा के देखूँ क्या? एवोल्यूशन मेनू तो है ही नहीं इसके पास, कमांड है कमांड। ओ क्या 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 गाइस, इसके अंदर भी मैं बैठ सकता हूँ क्या? वाओ लिटविग ये तो लेटेस्ट न्यूज है भाई, ये चीज मेरे को पता नहीं था। ओके इसको मैंने उठा लिया, लिटविग तो मेरे पीठ में ही रहेगा, ठीक है? आ जा तू ब्लेजिकन, ब्लेज ब्लेजिकन गाइस ये देख से तो ब्लेजिकन। पहले तो इसका वेट पे ध्यान देता हूँ गाइस, एक बार राइट लेकर के देखना है इसके पीठ के ऊपर, ठीक है? ऑल राइट गाइस, ओके और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं। यस मूवमेंट स्पीड 300 भाई, हेल्थ बढ़ाते हैं, हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। सारे के सारे पोकेमॉन्स को मैं हेल्थ बढ़ाने वाला हूँ बिकॉज गाइस मुझे इन लोग को लेकर के जाना है बॉस बैटल, बॉस बैटल में, ठीक है? एंड एक मिनट यार तेरे को फर्माइन पेस्ट पिला देता हूँ। ओके वाओ गाइस देख सकते हो कमाल का है फाइट मूव्स, क्या क्या है तेरे पास सामने से देखेंगे, ठीक है? हया हुया, ओरे बाप रे ब्लेजिकन ब्लेज ब्लेज ब्लेजिकन। ओ वाओ गाइस लेकिन तू यार फायर का गोला वाला कुछ नहीं से हो सकता है ना? चल कोई प्रॉब्लम नहीं यार,
एटलीस्ट यार तू बढ़िया मार पाएगा यार। ओके तू इधर रह ले। एंड चलो गाइस अब निकालते ओ ब्लास्टोइज। भाई तेरे को भी मेगा ब्लास्टोइज बनाना पड़ेगा। एंड यार तू शाइजर्ड एक्स की तरह मत बन लेकिन, ठीक है? ब्लास्टोइज भाई ये शाइजर्ड एक्स की तरह तो नहीं बनेगा शायद से। ओके तो ब्लास्टोइज को भी मैंने लेवल अप कराया गाइस। ऑल राइट तो अब निकालते इस पोकेमन को ग्रेवनेंट। गाइस ये घोस्ट टाइप पोकेमन है गाइस। ये घोस्ट टाइप पोकेमन है कि नहीं चेक करते हैं गाइस। ओ नहीं दिखा रहा है गाइस इसका टाइप वाइप। ऑल राइट गाइस तो चलो लेवल अप करते हैं गाइस। देख सकते हो इनफैक्ट गाइस ट्रेवनेंट का भी हेल्थ 1000 में जा रहा है ब्रो। शाइजर्ड एक्स के साथ क्या लोचा हो रहा है ब्रो। चलो गाइस ये मिली डैमेज बढ़ाते। जब भी मैं देखता हूँ गाइस ऐसे पोकेमॉन्स का हेल्थ बहुत ज्यादा है फिर चाइजर्ड के ऊपर गुस्सा आता है यार। ऑल राइट निकालते हैं अब इसको। ओ भाई ट्राइसरटॉप्स तू यार गलत जगह में आ गया ब्रो। मतलब सही जगह में आया है बट गाइस ये अभी के लिए मैं यहाँ पे पोकेमॉन्स को निकाल रहा हूँ ना तो नीडो किंग है मेरे पास। ओ नहीं ये नीडो क्वीन ही है तो इसका भी लेवल अप करते हैं। गाइस नीडो किंग्स ना काफी खतरनाक होते हैं लेकिन गाइस अब मेरे पास नीडो किंग से भी खतरनाक है पोकेमॉन है और वो है एग्रॉन। हाँ गाइस मेरे पास एग्रॉन है ठीक है। एंड ये जोरक किसको मार रहा है क्या? और जोरक तो किसको मार रहा है ब्रो? अच्छा घूम रहा है ये गाइस। कितना फास्ट तरीके से घूम रहा है गाइस। इसका नॉर्मल पैडल चलने वाला ये मोमेंट है भाई। अगर ये नॉर्मल पैडल चलने वाला ये मोमेंट है तो गाइस ये तो हार्डवेयर से भी फास्ट होगा ब्रो। डेफिनेटली गाइस ये हार्डवेयर से भी फास्ट होने वाला है। अगर नॉर्मल पैडल ही इतना फास्ट तरीके से जाता है तो खुद से ही सोच ले बनी। अरे हाँ यार बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाला है बोल्ट। चलो गाइस अब निकालते हैं किसको निकालो। नॉइवर्न को निकालते हैं। चलो नॉइवर्न को निकालते हैं। नॉइवर्न ये है अपना नॉइवर्न। नॉइवर्न को तो आप लोगों ने देख ही लिया। नॉइवर्न को निकाल लिया। अब ये कौन सा होना है? अरे यार ट्राइसरटॉप्स तेरे को इन पोकेमॉन्स के बीच आना है क्या? निकालेंगे तेरे को भी। चार्मेलियन को निकालते हैं गाइस। इसका तो लेवल अप शो कर रहा होगा। यस शो कर रहा है गाइस। ओ भाई ये तो चार्जर बन जाएगा गाइस। चलो इसको चार्जर बनाते हैं। चलो गाइस चार्जर बनाते हैं इसको। पहले तो चार्जर बनाएंगे ठीक है। ऑलरेडी इवोल्यूशन मेनू चार्जर बनाते हैं। चलो क्या हो गया? ओके बन जा चार्जर। लेकिन तू चार्जर एक्स की तरह मत बने प्लीज गाइस। इसको मैं चार्जर वाई बनाने वाला हूँ क्योंकि ऑलरेडी गाइस मेरे पास एक चार्जर एक्स है तो और दो दो एक्स नहीं चाहिए मेरे को ठीक है। जो क्या घूम रहा है ब्रो ये बनने वाला है गाइस अभी। चार्जर बन जा जल्दी से बन जा। ओके ओके ऑल राइट गाइस चार्जर बन चुका है गाइस। देख सकते हो इसका हेल्थ देखते हैं। इसका भी यार चार्जर होकर के 1300 एटलीस्ट 1300 तो है ना। चलो गाइस एक काम करते हैं चार्जर ये स्टोन डाल देता हूँ। ओके मैंने स्टोन डाल दिया है। अब देखते हैं इसको इवॉल्व करा पाएंगे कि नहीं एक ही बार में। ओ इवॉल्व करा पाएंगे। वाओ गाइस इस बार तो एक ही बार में हम लोग इवॉल्व करा पा रहे हैं। ये खुश है इसलिए हम लोग इसको तुरंत इवॉल्व करा पा रहे हैं गाइस। अभी ये मेगा चार्जर वाई बनने वाला है। अब मजा आने वाला है। और ये कैसे घूम रहा है भाई? वो भाई अरे गाइस अरे यार ये तो नीचे ऊपर सब में घूम रहा है भाई। ऊपर तो नहीं जा रहा है भाई लेकिन जमीन में एक ऐसे ऐसे चक्री की तरह घूम रहा है ब्रो। ओके ओके घूम जा। ओ वाओ चार्जर वाई इज हियर। चार्जर वाई लैंड कर। और देख सकते हो 2.1 के ब्रो। बहुत बढ़िया हेल्थ है ब्रो। बहुत बढ़िया हेल्थ है यार। लिटरली मजा आ गया इसका हेल्थ देख करके। एंड इसके पास भी और एक चार्जर ये स्टोन है। चलो गाइस आप पावर टेस्टिंग करते हैं ठीक है। तो पहले तो देखना पड़ेगा ये भी ड्रैगन डांस करता है। एयर स्लैश ब्रो इसके पास एयर स्लैश है लिटरली। गाइस एक मिनट इसके ऊपर मार के देखते हैं। वाओ गाइस चार्जर वाई के पास कुछ ज्यादा ही ऑसम ताकत है इस गेम में। अरे ये बच गया है। एक बार हिट दे करके देखते हैं। पहले तो हिट देंगे इस टेराडॉन को। अरे रुक जा टेराडॉन रुक जा। अरे 73। अब चलो गाइस एयर स्लैश यूज करते हैं फिर से। अरे बच गया यार। टेराडॉन्स काफी फास्ट होते हैं लेकिन ये भी फास्ट है ब्रो। कहाँ पे भाग रहा है ब्रो? चलो गाइस अब यार सी मार के देखते हैं। वाओ फ्लेयर ब्लिट्स से आई थिंक साइजर्ड का भी डैमेज होता है ना। और नहीं गाइस ज़्यादा यूज़ करेंगे तो डैमेज हो सकता है। स्टेमिना खत्म हो गया। स्टेमिना आने तक रुकना पड़ेगा इसको। तो डेफिनेटली मारेंगे एयर स्लैश से मारने की कोशिश करेंगे ठीक है। कहाँ पे चला गया? वेयर इज ही? टेराडॉन फिर से गायब हो गया क्या? ओ ये रहा बेटे। कहाँ पे? अरे यार एयर स्लैश लगा ही नहीं पा रहा। मुझे एयर स्लैश का डैमेज देखना है एंड एयर स्लैश लगा नहीं पा रहे हैं यार। गाइस एक मिनट इसको पोजिशन में लगा 10 और 20। लेकिन ब्लीडिंग डैमेज दिया गाइस। ब्लीडिंग डैमेज दिया। अब चलो गाइस फ्लेयर ब्लिच यूज करके देखेंगे फिर से। ओके गाइस मेरा स्टेमिना आ चुका है। फ्लेयर ब्लिच यूज करके देखेंगे ठीक है। वेयर इज दिस टेराडॉन गाइस? नीचे एक खतरनाक पोकेमॉन जैसा मेरे को दिखाई दे रहा है। अच्छा चेस्ट नॉट है।
फेरालीगेटर, ब्लेजिकैन, ओ माय गॉड, गाइस ब्लेजिकैन के ऊपर फ्लेयर ब्लीच मार के देखते हैं चलो। भेंडी गाइस, भेंडी कमाल का है ब्रो, लेकिन स्टेमिना खत्म हो गया। आ जा, सभी को मारेंगे ब्रो, एयर स्लैश यूज करते हैं। अरे ये बॉय, इसको बोलते हैं ना ब्रो पावर। गाइस चार्जर एक्स से ये मेरे को काफी अच्छा लग रहा है गाइस, सीरियसली बताऊंगा गाइस। वैसे तो गाइस मुझे चार्जर एक्स ज्यादा पसंद है, बट गाइस यार यहाँ पे चार्जर वाई का पावर मेरे को देख करके लिटरली आई एम वेरी मच हैप्पी मैन, बहुत ज्यादा हैप्पी फील हो रहा है इसको देख करके ब्रो। खा ले, ये तो बेरीज ही खाएगा ना। ऑलराइट चलो इसको मारते हैं, फिर से एयर स्लैश मारेंगे, ठीक है। ब्लीडिंग डैमेज देगा। व्हाट इज दैट, ये मैंने क्या मारा गाइस, ये तो फ्लेयर ब्लिट्ज नहीं था। ओह शिट, ए ना 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 ना, ओ भाई साहब वो चेस्टनट 525 का डैमेज दे रहा था ब्रो, वो चेस्टनट काफी ओपी है यार, वो चेस्टनट काफी ओपी था। इधर से निकलते हैं, व्हाट इज दैट वाटर टूल, लेकिन वो वाटर टूल चमक क्यों रहा है, साइनी है क्या? ओह माय गॉड, ये साइनी है गाइस, ये साइनी वाटर टूल है। 600 टॉर पर है ब्रो, एक काम करेंगे, कुछ मत कर ठीक है, जब तक के मैं ना बोलो कुछ मत कर, पैसिव में रह, ठीक है, पैसिव में है कि नहीं, ए अटैकिंग योर टारगेट पे है गाइस, प्लीज यार वो शाइनी वाटर टूल है ब्रो, कहाँ पे चला गया वो शाइनी वाटर टूल, इधर ही, अरे अरे रुक, स्टॉप गाइस, इसको ना मैं अंदर ही घुसा लेता हूँ, ठीक है, अटैक कर देगा भाई, लेकिन मैं मरने वाला हूँ गाइस, डेफिनेटली मेरे को कुछ होने वाला है गाइस, बट आप लोग टेंशन ना लो, ठीक है। ओए लगाने पे डर लग रहा है, लगाए, ये मेरे को कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्यों कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं ऐसे पोकेबॉल फेंक दूंगा इसके ऊपर, एंड तेरे ऊपर भी पोकेबॉल फेंक दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है इन लोग को पकड़ने का, ऐसे मारेंगे, जैसे ये मेरे पास आएंगे मैं तो पहले भागूंगा ब्रो, पहले तो भागूंगा, अब गाइस पोकेबॉल निकाल देता हूँ, अब ऐसे मारेंगे ब्रो, एंड तू भी आ जा, शिट गाइस, ये तरकीब काम नहीं आएगा, क्योंकि मैं मरने वाला हूँ, लिटरली गाइस मैं मरने वाला हूँ। वन ने मेरा सुन लिया, बिकॉज गाइस मैं इस पत्थर के ऊपर आ चुका हूँ, एंड वेयर इज दिस वाटर टूल, ए चिलगोजे कहाँ पे है तू? Oh no! अरे टूट चुका है, मेरे को लगा यार मेरे पास इंग्रेडिएंट्स नहीं है, लेकिन ये भाग रहा है। ओए भाई मैं इधर हूँ, वाटर टूल, यहाँ मैं तो नीचे उतर गया ब्रो, चल कोई प्रॉब्लम नहीं, मारेंगे, मेरे पास हीलिंग पेस्ट है तो कोई टेंशन नहीं, तेरे को तो यार पकड़ के ही जाएंगे ब्रो, तू, ए माय गॉड गाइस ये तो काफी भयंकर अटैक दे रहा है, आजा, हीलिंग पेस्ट है गाइस, मेरे पास हीलिंग पेस्ट है गाइस, एक चीज बताओ गाइस, मेरे पास यार ट्रैंक्विलाइजर एरोस भी खत्म हो गए, अब गाइस गया भैंस पानी में होने वाला है, ठीक है, अगर ये आ जाता है तब बहुत बढ़िया होगा। तो गाइस पूरा यही फेंकेंगे, पूरा ग्रेट बॉल फेंकेंगे इसके ऊपर, ओ शिट मैन आ जा, ओ एक मिनट गाइस मेरे पास है ना गाइस, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग गाइस, एक मिनट, ए यार डिल्फोसॉरस भी है इधर यार, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम यार, आज तो यार नसीब बहुत ज्यादा खराब है। एक मिनट यार, भाग के मुझे इधर चढ़ना पड़ेगा गाइस, इसने मेरा कॉस्ट्यूम हेलमेट ही तोड़ डाला क्या? एक मिनट गाइस, एरोस मैन की है नहीं क्या? भाग नहीं सकता ब्रो, लिटरली तू भाग नहीं पाएगा, मुझे पता है कि तू आएगा। मार, अरे हट तेरी ऐसी कहते हैं, इसको ही मैंने गाइस ग्रेट बॉल के अंदर डाल दिया है। अरे वाटर टल मत कर ऐसा ब्रो, मत कर यार, वो शाइनी है, चाहिए मेरे को वाटर टल यार। ए भाई मेरा किस्मत क्यों इतना खराब है ब्रो, वो आ गया गाइस, वाटर टल आ गया यार, है गाइस नसीब कितना सही है ब्रो, वाटर टल आ गया बनी। अरे यार तेरा सही में नसीब बहुत अच्छा है, लेकिन यार बोल्ट यार तेरा टोपी उतार दिया यार, सही में इस वाटर टल ने तो यार बैन बजा दिया ब्रो,
तो गाइस कहाँ पे है ये टोपी, इसको रिपेयर कर लेता हूँ। पहन लेंगे ब्रो, पहनेंगे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि नहीं पहनेंगे ब्रो। ओके चलो पहन लेते हैं यार। प्रेडिटर का यार मास्क नहीं पहनेंगे तो कॉन्फिडेंट कैसे आएगा ब्रो। एंड गाइस मैं आप सभी भाइयों को यार पोकेमॉन्स दिखा रहा था, तो चलो गाइस घर में जाते हैं फिर पोकेमॉन्स दिखाते हैं। वाटर टर्टल, अब तो शाइनी वाटर टर्टल भी है। मेगा चार्जर्ड, वाई आई चूज यू। ऑलराइट, लेवल अप शो कर रहा है क्या? ना ना जी ना। ऑलराइटी लेट्स गो बॉय। हम लोग फिर से आ गए गाइस अपने घर में। एंड इसका भी एक चीज गाइस, इसका भी अभी लेवल अप शो नहीं कर रहा है। अब इसके साथ भी ये क्या हो गया 895? मेरे चार्जर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है गाइस? ग्लिच है, शायद से ग्लिच है गाइस। डेफिनेटली इसको रिपेयर करना पड़ेगा कुछ ना कुछ करके, ठीक है। चेस्टनट को निकाल लेते हैं गाइस। ओके गाइस चेस्टनट को निकाल लिया मैंने। ओ बाप रे, इसका तो बहुत ज्यादा ही लेवल अप कर रहा है। एंड गाइस चेस्टनट जब हाई लेवल का हो जाता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है गाइस, बहुत ही स्ट्रांग बन जाता है गाइस। आप लोगों ने देखा था ना कुछ देर पहले एक चेस्टनट ने 525 का डैमेज दिया था भाई। वो क्या काम है ब्रो, बहुत ज्यादा है ब्रो, बहुत ही ज्यादा है। इसके ऊपर राइड ले पाएंगे? अभी राइड तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि हैवी हूँ मैं अभी। ऑलराइट अब निकालते ट्राइसॉट ऑफ, नहीं निकला। समर ड्रिलिंग, इसको तो मैं लेवल अप क्यों नहीं करा पा रहा हूँ पता नहीं। एंड ये समर ड्रिलिंग काफ़ी ओपी है गाइस, देख सकते हो 105 में 4000 अप हेल्थ। इसलिए तो मैं बोलता हूँ गाइस ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। अरे यार ट्राइसॉट तू फिर से निकल गया ना, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं यार, तू निकल जा। ओके यार फ्रॉगीडियर को निकाल लिया। पोलीवैक को डेफिनेटली इवॉल्व करा पाएंगे गाइस, पोलीवक को तो डेफिनेटली इवॉल्व करा पाएंगे। तो चलो गाइस बनाते हैं पहले इसका हेल्थ, इसका जो तीसरा इवोल्यूशन फॉर्म है ना गाइस, पोलीव्रिल है ना गाइस, आई थिंक पोलीव्रिल काफ़ी स्ट्रांग है यार। ओके 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 बनाते हैं मिली डैमेज, मिली डैमेज ही बनाते हैं चलो। ओके एंड इसको बैक टू बैक इवॉल्व कराने वाला हूँ गाइस, बैक टू बैक इवॉल्व कराएंगे इसको, ठीक है। तो पहले तो अरे तेरा भी इवोल्यूशन नहीं है, ये कैसा क्या हो रहा है गाइस, ये क्या हो रहा है यार गाइस। इसका तो इवोल्यूशन होना चाहिए, इसका भी मुझे मतलब इवोल्यूशन फ्रॉम अलग से पकड़ना पड़ेगा। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप तू आ जा, देखते हैं ये कौन है। फिर से फ्रॉगीडियर गाइस, मेरे पास दो फ्रॉगीडियर है, वो तो मैं भूल ही चुका था। क्या लेवल अप करा लेते हैं इसको, ठीक है। अब ये कौन है, ये भी समर ड्रिलिंग, दो दो समर ड्रिलिंग है मेरे पास। ये विनासोर गाइस, ओपी विनासोर इन द कॉमेंट सेक्शन बॉयज। सही में वन ऑफ द मोस्ट ओपी पोकेमॉन है गाइस ये विनासोर, ठीक है। कमाल का गाइस, सुला भी सकता है पोकेमॉन्स को, ये क्या कम बात है ब्रो, ये कम बात है क्या। तो गाइस ये है मेरा पोकेमॉन टीम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 पोकेमॉन, 18th और वो 19 ग्रेंजा और ये 20। तो 20 पोकेमॉन स्कूल मिला करके गाइस मेरे पास 20 पोकेमॉन है। एंड इसके बारे में क्या ही बोलेंगे भाई, ग्रेनिंजा ओपी भाई, ग्रेनिंजा सही में बहुत ज़्यादा ओपी है यार। इसको भी इधर प्लेस कर देते हैं। लेकिन गाइस मेरे पास एक वार टर्टल भी था, अच्छा वो तो ग्रेट बॉल में है ना ब्रो। ऑलराइट गाइस ग्रेट बॉल वाले पोकेमॉन को भी बाहर निकालते हैं गाइस। मेरे पास अच्छा दो पोकेमॉन है, एक तो एग्रॉन होगा, क्या बात कर रहे हो ब्रो। और फियरो भी था ना, ये ब्रो फियरो भी तो था गाइस। ओ इसका पावर भी टेस्टिंग करना बाकी है ब्रो। चलो गाइस इसका पावर टेस्ट कर लेते हैं गाइस, ये हॉर्न ड्रिल मार सकता है तो पहले इसका पावर टेस्ट करते हैं। ओह ओ वाओ फास्ट तो है। चलो गाइस इससे क्या चोंस मारेगा, पहले ऐसे देखेंगे सामने से, ठीक है। तो लेफ्ट क्लिक से गाइस चोंस मारता है, राइट क्लिक से ओ माय गॉड हॉर्न ड्रिल। अब ये हॉर्न ड्रिल आगे बढ़ेगा कि नहीं? ओके जा रहा है, फिर से मारेंगे, कैसे बढ़ेगा गाइस ये आगे आगे बढ़ने के लिए। ओ मेरे को समझ में आ रहा है गाइस, ये हॉर्न ड्रिल दबा करके मुझे ये वाला दबाना पड़ेगा। ओह ओह मतलब इतना भी परफेक्ट हॉर्न ड्रिल नहीं है बट है। और सी से कुछ करेगा क्या तू ब्रो? नहीं, सी और एक्स से कुछ नहीं करता है। ऑलराइट चल यार फियरो तू अंडर आ जा। वैसे गाइस फियरो का एक बार पावर टेस्टिंग भी बनता है ना, हॉर्न ड्रिल का पावर टेस्टिंग बनता है। तो चलो गाइस ये हॉर्न ड्रिल मारेंगे इसके ऊपर, जा मार ले नॉर्मल अटैक मारते 69। भाई साहब इतना फास्ट है यार, कितना फास्ट है आप लोगों ने देखा, 123 डैमेज गाइस हॉर्न ड्रिल का, अच्छा खासा है गाइस, अच्छा खासा है। एंड इतने फास्ट से गाइस पैक मारते हुए मैंने आज तक की किसी भी डायनासोर को नहीं देखा है, डायनासोर बोल रहा हूँ पोकेमॉन को नहीं देखा है भाई। ये मतलब गाइस कंटिन्यूअस पैक मार सकता है ब्रो। अरे हाँ ये काफी ओपी है, बोल बहुत ज्यादा ओपी है गाइस। भले ही इसके पास अटैक कम हो बट गाइस ये ओपी तो है। आप गाइस निकालते इस पोकेबॉल में क्या है, चलो देखते हैं। कम ऑन एस्पियन, यस गाइस मेरे पास एस्पियन भी था।
ओ मैंने बहुत सारा पोकेमॉन को पकड़ लिया लेकिन है ओके एस्पियन निकल चुका है गाइस अभी एग्रॉन को निकालना पड़ेगा इधर ही होगा शायद से ये कौन सा है वार टर्टल इसको निकालते हैं चलो गाइस वार टर्टल को निकालते हैं ये शाइनी वार टर्टल है आई चूज यू गाइस आ गया शाइनी वार टर्टल ओके तो चलो गाइस इसका क्या बढ़ाऊं गाइस वेट बढ़ाते हैं गाइस लेवल कितना लेवल 3 में वार टर्टल भाई यार तू लक में आया है कि क्या में आया है ब्रो लेवल वो ये बोल भी रहा है ये बोल भी रहा है वार टर्टल करके फिर से बोल वार टर्टल करके फिर से बोल चल यार तू बॉल में आ जा ठीक है तू आ जा बॉल में ओके अब तेरे को फिर से निकालने वाला हूँ वार टर्टल तू बोलेगा ना डेफिनेटली गाइस ये बोलेगा सच बोल 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 अब नहीं बोल रहा है गाइस लेकिन इसके ऊपर मैं राइट ले सकता हूँ और क्या क्या पावर है तेरे पास लेफ्ट क्लिक से कुछ करता है व्हाट ये आप लोगों ने देखा गाइस ये या आई थिंक पानी वाला कुछ अटैक तो यूज कर सकते ये देखो वहां पे पानी लगा यार इसके ऊपर पानी लगा के देखते हैं लगा वाओ और ये ग्लो कर रहा है ब्रो सी से कुछ करेगा क्या भाई ये जब ब्लास्टोइज बनेगा तो तेरे पास तो अलग ही पावर होंगे भाई 1 million zillion jillion dillion cotillion times later So guys, ये रहे मेरे सारे के सारे पोकेमॉन्स देख सकते हो गाइस मेरे पास कितने सारे पोकेमॉन्स आ चुके हैं गाइस मैंने आप सभी भाइयों को एक पोकेमॉन का टाकर अभी तक नहीं दिखाया और वो है गाइस एग्रॉन ठीक है ये देख सकते हो कितना बड़ा पोकेमॉन है यहाँ पे देख सकते हो एक पैरासोर है और एक मिनट इसका लेवल अप भी शो कर रहा है तो चलो गाइस लेवल अप करा लेता हूँ ऑल राइट गाइस मिली डैमेज बढ़ा लेते हैं एंड गाइस चलो अब एक हिट दे करके देखेंगे इस पैरासोर को ठीक है ये काफी ताकतवर और बड़ा पोकेमॉन है गाइस और मेरा फेवरेट पोकेमॉन है गाइस दो फटके में खत्म गाइस अच्छा खासा डैमेज ही दिया तो गाइस मैंने सारे के सारे पोकेमॉन्स को दिखा दिया एंड गाइस अभी ना इस दुनिया में गाइस पोकेआर्ट के दुनिया में काफी गाइस शक्तिशाली और डेंजरस पोकेमॉन्स भी आ गए हैं तो गाइस ये तो हमें अगले एपिसोड में ही मालूम चलेगा कि गाइस कैसे कैसे पोकेमॉन्स आए हैं और कैसे कैसे ताकत है ठीक है लेजेंडरी पोकेमॉन्स भी आ गए हैं गाइस तो गाइस सो गाइस आज के लिए बस इधर तक ही रखते हैं मिलते हैं अगले एपिसोड पे आज छोटा सा एपिसोड था मिलेंगे कल बहुत ही बढ़िया एपिसोड लेकर के संडे है एकदम धमाल करेंगे बाय बाय टेक केयर सायोनारा बाय बाय गाइस लव यू लेट वे बाय बाय बाय